हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं विनोद। इस बार रियलमी 3 मोबाइल हमारे पास आया है जिसमें डिस्प्ले एकदम सही वर्क कर रही है मगर टच वर्क नहीं कर रही। चलिए देखते हैं इसमें फोल्डर की प्रॉब्लम है या टच की आईसी की। चलिए मोबाइल को ओपन करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये फोल्डर 6 मॉडलों में वर्क करता है, जैसे Realme 3, Realme 3i, A5s, Oppo A11K, A12 और A7। अगर इसका यूनिवर्सल वर्जन वो फोल्डर का, तो इन 6 मॉडलों में प्रॉपर वर्क करता है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पास कभी भी फोल्डर डलवाने के लिए कोई भी मोबाइल आए तो पुराना फोल्डर उतारने से पहले एक बार नया फोल्डर लगाकर अच्छी तरह चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार फोल्डर के अलावा हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है और फोल्डर सही होता है और हम उसको उतारते वक्त तोड़ लेते हैं या उसको डैमेज कर देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आप कैसे करते हैं रिपेयरिंग, पहले पुराना फोल्डर उतार देते हैं या नया फोल्डर लगाकर चेक करते हैं। क्रोम की हालत देखते हुए ऐसे लग रहा है कि मोबाइल पानी में गिरा हुआ है, इसी की वजह से टच वर्क नहीं कर रही है।
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. चलिए दोस्तों, अब इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं भविष्य में आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो, यूज़फुल वीडियो ला सकूँ। आपके एक लाइक और शेयर से मेरी हिम्मत बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।